वो ये कहते हैं कि देश को आप लोगों ने और आप लोगों की सरकार, आप लोगों की पार्टी अपनी नीतियों से, अपने बयानों से, अपनी विचारधारा से इतना ज्यादा तोड़ दिया है कि इसको जोड़ने की जरूरत है। कहां टूटा है देश, मैं जानना चाहती हूं। और देश जोड़ने की बात करने वाले कहां नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं? अभी नॉर्थ ईस्ट क्या देश का हिस्सा नहीं है? यूपी में थोड़ा थोड़ा घूम के जा रहे हैं, गुजरात नहीं आ रहे हैं। क्यों? ये देश का हिस्सा नहीं है। और जब आप देश को तोड़ने की बात करते हैं तो मैं राहुल गांधी से स्पेसिफिक पूछना चाहती हूं, मुझे बताएं कहां कहां उनको लगा कि हमने देश तोड़ा है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने सड़क बनाई तो सड़क ने कभी किसी से पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदू हो या मुसलमान, चलने से पहले सर्टिफिकेट दो? जब बिजली की तार किसी घर में गई मोदी सरकार में, बिजली की तार ने रोशनी देने से पहले पूछा धर्म बताओ अपना? नहीं। जल जीवन मिशन में कितने परिवारों तक पानी पहुंचा है, टॉयलेट्स बने हैं 11 करोड़, कभी किसी का धर्म, किसी की जाति देखकर काम नहीं हुआ। लेकिन हां, राहुल गांधी के इस वाक्य में अगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा भी सच होता तो उन्होंने 19 के चुनाव में आजमा लिया था। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हारे क्यों? क्योंकि जनता ये झूठ उनका और बर्दाश्त नहीं करेगी। आज क्योंकि संविधान दिवस है, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि आप लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, इंस्टीट्यूशन को खत्म करते हैं, इंस्टीट्यूशन पे अटैक किया जाता है, देश की जो मूल आत्मा, मूल विचारधारा है उस पर चोट पहुंचाया जाता है। सिस्टम पे कहां अटैक हुआ, मैं जानना चाहती हूं, प्रमाण दें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हो या कोई हाई कोर्ट में, माफी तो कई बार मांग चुके हैं झूठा बयान देने के लिए, तो बयान दें, बताएं, तथ्य दिखाएं, कहां सिस्टम के साथ खिलवाड़ हुआ। धारा 370 हटाई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को एक किया, वो क्या खिलवाड़ था सिस्टम का? या वाकई में आजादी का एहसास क्या होता है, देश एकजुट होना क्या होता है, उसका एहसास था? तब क्यों उसका विरोध किया? राष्ट्र में पहली बार आदिवासी समाज की एक महिला राष्ट्रपति बनती है और ऐसी ऊंची हरकत करते हैं कांग्रेस के नेता, ऐसे अभद्र बयान देते हैं, तब तो चुप्पी साध कर बैठे थे। तब तो अपने किसी भी नेता को उन्होंने दंडित नहीं किया, समर्थन किया उनका। क्यों? जब दलित समाज के एक राष्ट्रपति बने, कितनी बार जाकर प्रणाम किया उनको? नहीं किया। तो पाखंड करे वो, अपमान करे वो, जवाब आप मुझसे मांग रहे हो? मैं तो कहती हूं चलिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि धड़ल्ले से आपके मध्य में आकर जवाब तो दे रहा है। चुनौती देती हूं, लाके दिखाइए यहां पर गांधी खानदान का कोई जो बिना किसी स्क्रिप्ट के आपके किसी भी प्रश्न का जवाब दे दे। नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपने कहा कि आप देवेंद्र जी कॉन्क्लेव छोड़ दीजिए, मैं अमेठी से सांसद हूं, रायबरेली से भी गांधी परिवार की प्रतिनिधि सांसद है। जब कोरोना की विपदा आई थी, मौत सामने मंडरा रही है, हम सारे कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में थे, लेकिन रायबरेली की जनता की मदद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, अमेठी की सांसद कर रही थी। मैं दिशा की मीटिंग में जाती हूं, बार बार सोनिया जी को पत्र लिखते हैं कि कृपया कम से कम अपनी लोकसभा क्षेत्र में जनता को बिजली, सड़क, पानी, आवास की अगर कोई असुविधा है तो प्रशासन के साथ समन्वय करना सांसद का काम है, कम से कम वो समन्वय करने आ जाइए, जनता की सुन लीजिए। आज तक नहीं आए। आप सोचिए लोकतंत्र का तिरस्कार कितना कि अमेठी में 50 साल गांधी खानदान का राज रहा, लेकिन एमएलसी के चुनाव में एक बार भी किसी गांधी खानदान के व्यक्ति ने वोट नहीं दिया। पहला वोट देने वाली मैं हूं। वहां पर कलेक्टर का ऑफिस नहीं बनाया, कलेक्टर का ऑफिस बनाने वाली मैं हूं। तो इसीलिए कहती हूं कि जनता जनार्दन जब ये उदाहरण देखती है तो क्यों उनको स्वीकार करेगी? और गुजरात की जनता विशेष, धारा 370 को हटाने के लिए आप उसका विरोध करते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो गुजरातियों को आप गाली बकते हैं, तो गुजराती को उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप गाली बकेंगे, फिर यहां आकर भाषण देंगे, क्यों कोई गुजराती आपको सम्मान देगा या आपको अपनाएगा? आकर देखिए ना, मैं तो चुनौती देती हूं, तीनों के तीन जीजाजी सहित आ जाएं, गुजरात की हर सीट पे जाएं, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा।
आपकी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अमेठी को आपने कांग्रेस मुक्त कर दिया? ऐसा तो नहीं कि अगली नजर रायबरेली को? कांग्रेस मुक्त ही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अमेठी की 5 विधानसभा सीट्स में से 4 में जमानत जब्त हुई है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। और मुझे जब चुनाव का परिणाम आया तो किसी ने कहा, दीदी तुम ज्यादा खुश क्यों नहीं दिख रही हो? मैंने कहा, नहीं, 5 सीटें थी, 4 पर गए थे जहां जमानत जब्त हुई, 5वीं पे भी जाते तो कल्याण हो जाता, 5ों की 5 पे जमानत जब्त करा देते। आप सोचिए, 50 साल जिस जनता ने उनको देखा, उस जनता ने उनको नकार दिया। इसलिए आज मैं चुनाव की दृष्टि से एक चुनौती देती हूं, अगर लगता है इतना दमखम है, अगर लगता है कि आपको गुजरात की जनता इतना सम्मान करती है, प्रेम करती है, आओ ना, हर सीट पर चलो। गुजरात पे आएंगे, उससे पहले जैसे मेरे सवाल का दूसरा पार्ट ये था कि अमेठी में तो आपने कांग्रेस मुक्त किया, रायबरेली पे नजर तो नहीं? भाई, रायबरेली में कौन प्रत्याशी होगा वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ही निश्चित करेगी, लेकिन ये फुसफुसाहट मैंने कांग्रेस के खेमे से सुनी है। मैं रही एक साधारण गृहिणी, मुझसे इतना डर कैसा? पार्टी ने आपको मौका दिया तो जाना चाहेंगे रायबरेली? मैं ऐसी कोई हेडलाइन आपको देने नहीं वाली हूँ। नहीं, हेडलाइन के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बताऊँ क्यों नहीं देने वाली हूँ। नहीं, बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि पार्टी ने अगर नहीं, नहीं, नहीं देवेंद्र जी, मैं आपको हेडलाइन एक और विशेष विषय की वजह से नहीं देना चाहती जी, क्योंकि आज के आपके मंच के स्पॉन्सर हैं तुलसी, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि आपने जानबूझ के समा बांधा ताकि रायबरेली की सांसद जो गायब है उन पे कटाक्ष किया जाए। लेकिन जैसे कहते हैं ना, डर अच्छा है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डर रहे हैं राहुल गांधी आपसे। तुलसी का आपने उदाहरण दिया, उसमें दिलचस्प कहानी ये थी कि तुलसी का एक गुजरात कनेक्शन भी था, शायद जो पहले वाली कहानी थी वो गुजराती पृष्ठभूमि पे ही बनी हुई थी। राहुल गांधी गुजरात में, जैसा कि आप बता रही हैं कि यहाँ नहीं आ रहे हैं, एक दो दिन के लिए बस आके दिखा के चले गए, ये आप लोगों को सूट करता है या आप लोग चाह रहे हो कि राहुल गांधी आगे कैंपेन करें? इस भ्रम में ना रहे कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी उस व्यक्ति पर केंद्रित है जिसको अपनी पार्टी ने नकार दिया। हमारा पूरा का पूरा चुनाव प्रचार अथवा चुनाव की दृष्टि से जनता के सम्मुख हमारा प्रस्तुत होना हमारे कार्यकर्ता पे, हमारे नेतृत्व पे, हमारी बूथ की जो समीकरण है उस पे निर्भर है। मैं तो इसलिए चुनौती दे रही हूँ कि आ जाइए, क्योंकि गुजरात के बाहर डिंगे हाँकना बहुत आसान है, आजमाना ही है, तो आ जाओ। वो तो बताते हैं कि कितने लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी, लोकतंत्र ही है भाई, आ जाओ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।